क्या मुखिया आपका पास रहा कि फैल रहा? मुखिया योजना जिला में पूरा फैल रहा। बेचारा आज दिन तक हमरा सबके गांव तक घूरल नहीं अलो 10 साल के दरमियान में। कल परसू अलो रहा गाँव वाला ने मतलब बात करे तक तैयार नहीं होले। नहीं आज तक जो है ना हम लोग बसे हैं तो इंदिरा आवास और रोड नाला बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं मिलने का उपाय है। पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में सरगर्मी तेज है। हरेक जनप्रतिनिधि जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, लंबे लंबे वादे कर रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके कि क्या पिछले जनप्रतिनिधि द्वारा उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, और यही जानने हम ग्राउंड पर उतरते हैं। आपको यहाँ की सारी सच्चाई खुद से भी दिखाते हैं और यहाँ की जनता से भी आपको मिलवाते हैं, यहाँ की जनता की भी जो समस्या है वो आप तक पहुँचाते हैं। जगदीशपुर प्रखंड के साजंगी पंचायत में भी मौजूद हैं हम, और यहाँ आने के बाद एक चीज़ गजब सा लगा कि विकास का यहाँ पर कोई और छोर नज़र नहीं आया, ना तो सड़कें थी, ना नाला, ना पानी की व्यवस्था। और यही समस्या जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बातचीत किया जाए कि आखिर इस प्रकार से ये दयनीय स्थिति समाज की क्यों है। तो यहाँ के कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएँ भी हैं जो हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार ये अपनी समस्या बताएं, इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना विकास हो रहा है, किस प्रकार से लूट खसोट और घोटाला मचा हुआ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि वोटर हो गए 84 एक बार न छो 18 साल हो गए नहीं वोट दे छो देखे छो कहना नहीं रोडे छो ने नाले छो ने पानी व्यवस्था की स्थिति छो तोरा समझ लेने से कुछ मुखिया ने मुखिया दे छे सरकार ने दे छे मुखिया मुखिया सरकार ने दे छे मुखिया देते तो वे ने असनी मुखिया दे लेने चाचा की मुखिया कोई काम करवे ला जा तोरा की लागे छो काम ने 10 साल मुखिया बने लियो सर बड़ी मेहनत के साथ बने लियो मंजूर का जेकि अभी हकीकत में मुखिया छे वेकरे लेकिन बेचारा आज दिन तक हमरा सबके गांव तक घूरल नहीं अलो 10 साल के दरमियान में। कल परसू अलो रहा गाँव वाला ने मतलब बात करे तक तैयार नहीं होले कल के आप जो है हमरे गांव से चले जाइए हम अब मुखिया बदलेंगे हम दूसरा मुखिया लाएंगे 10 साल में आप हमको कुछ नहीं करके दिया आप बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा। आखिर कोई प्रखंडों में कोई वार्डों में विकास नहीं होले कि वार्डों में विकास नहीं होना 4 नंबर वार्ड में विकास माने 0 के बराबर है। 4 नंबर वार्ड में विकास 0 के बराबर के बराबर 2 रीजन से जो मुखिया भी वर्तमान है पिछले 2 रीजन से मुखिया हैं। मंजूर आलम आप नाम बता रहे हैं मंजूर आलम मुखिया पति हुए या वो मुखिया प्रतिनिधि बोल सकते हैं सवाना खातून नाम है वर्तमान मुखिया का 2 बार कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है पर यहाँ की जनता अभी भी अपने जनप्रतिनिधि से ना खुश है और आक्रोशित भी है क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि प्रचार के क्रम में वो लोग यहाँ पहुँचे थे इस दौरान इन्होंने बताया उनको कि हम मुखिया बदलने वाले हैं तो यहाँ की जनता कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि से ना खुश है और भी लोगों से बात करेंगे जानेंगे क्या भैया कोई काम धाम पानी सड़क नाला कुछ मिला आप लोग को? नहीं अभी तक तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। अभी तक मतलब 5 साल पूरा हो गया अब नहीं मिला तो नहीं मिलेगा 5 साल नहीं 2 पंचवर्षीय योजना है ना मयूर मुखिया यहाँ से 2 बार जीते हैं 5 साल 5 साल 10 साल हो गया लेकिन हमारे समाज में सजंगी पंचायत के अंतर्गत गंगोता मैदान ग्राम में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है जब न तो नल जल का काम हुआ है न तो रोड भराई हुआ है न तो मनरेगा के तहत काम हुआ है न तो इंदिरा आवास में काम हुआ है न तो वृद्धा पेंशन में काम हुआ है न तो कोई राशन कार्ड में काम हुआ अभी तक सारा काम जो सरकार का योजना है वो सब यहाँ के जो इतने भी गरीब लोग हैं सब लाभ से वंचित रह गए हैं। हम चाहते थे कि लेकिन सरकार ने जो योजना हमारे क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को दे रहा था उस योजना का सरकार का लाभ गरीब जनता तक पहुँचे लेकिन अभी तक हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की योजना जो है विफल हो रहा है या ग्राम जनता तक नहीं पहुँच रहा है। हम ऐसा मुखिया चुने जो बनाए थे जो कि काम करेगा लेकिन ऐसा काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए सर अभी तक हमारे गाँव का स्थिति देखिए रोड अभी तक जैसे कीचड़ पड़ा हुआ है स्कूल जाता है तो बच्चे कीचड़ में पढ़ते हैं और यहाँ का देखिए झोपड़ी है जो कि इंदिरा आवास से वंचित है और ऐसे कितने भी हमारे गांव के बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि इनका कि 65 साल 70 साल आयु हो गया है लेकिन उनको भी अभी तक सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे इंदिरा आवास को देखिए जिसका झोपड़ी है सरकार दे रहा है कि खुद मोदी जी का कहना है कि जो भी हमारे देश का गरीब जनता है उनको सरकारी लाभ से पहुँचाएंगे लेकिन अभी तक लोग हम कहाँ पहुँचा रहे हैं लाभ हम जो भी। अच्छा दूसरा रीजन है मुखिया के कार्यकाल का और दूसरा रीजन भी अब लगभग समाप्त हो चुका है जब पहले रीजन में कोई काम नहीं हुआ
तो उस दौरान आपको एक बार समझना चाहिए कि जो पहला पूरा 5 साल खा गया, जिसके दौरान पूरे 5 साल के दौरान जब एक काम नहीं हुआ तो दूसरा बार फिर उसी को मौका देना। आप लोग अपना नहीं सोचे उस वक्त। सुनिए सर, 5 साल जो जीत गया उनके बाद उन्होंने दूसरा जब पंचवर्षीय से आया तो उसने वादे किया, हम भैया आपका जो है अपने क्षेत्र का जो है विकास करेंगे, चाहे नल जल हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे मंडला तहत हो, जो भी काम हो हम पूरा आपका करेंगे। जनता को उन्होंने गुमराह करके रखा और जनता ने विश्वास किया कि नहीं हम कुछ जाएंगे तो इसका हमारा समाज का जो हमारा पंचायत जिंदगी का जो है वो पूरा काम करेगा। लेकिन जीतने के बाद फिर जो उसी तरह सो गया, ना तो जनता को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं, जनता को सरकारी योजना जो है वो तक नहीं पहुँचाने पाए। एक शब्द में बताइए कि आप अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं कि नाराज हैं? हम बिल्कुल नाराज नहीं है। सहसंगी पंचायत का जनता मुखिया से पूरा नाराज है, यह देखकर उन्होंने विकास नहीं किया इसलिए पूरा नाराज है। अच्छा, मुखिया आपका पास रहा कि फैल रहा? मुखिया योजना के दिलाने में पूरा फैल रहा, पूरा फैल रहा। हाँ, पूरा। जनता से पूछिए, जनता खुद बताएगा कि मुखिया जी ने अपने कार्यकाल में क्या किया। जी बिल्कुल, यही काम कर रहे हैं हम खुद ब खुद। आपको जो सच्चाई है वो तो कैमरा के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके पूरी सच्चाई आप तक पहुँचा रहे हैं। योजनाएँ तो सरकार बहुत लाती हैं पर ग्रामीण क्षेत्र में नेताओं और मुखिया के वादों में ये योजनाएँ दम घुट कर मर जाती हैं। हाँ, तो कुछ महिलाएँ हैं चाची, तुरचतुरम के ग्रो घर मिल रहा हूँ, वृद्धा पेंशन राशन कुछ नहीं अभी तक मिला है आज दिन तक। एक करीक बोलियो, एक एक करीक जरा पूछियो नी, वह बोलियो ठीक नहीं है ना, ना आवाज एकदम नहीं था, बता। नहीं आज तक जो है ना हम लोग बसे हैं तो इंदिरा आवास और रोड नाला बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं मिलने का उपाय है। और बना मुखिया जी 2 बार चांस में लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा चाची, देखो सरकारें कही छे 7 निश्चय योजना छे जेकरा में गली गली सड़क पक्की करन होई छे, कुछ नहीं छे हमरा से, कुछ नहीं कुछ हुए नहीं हमरा से, छेबे नहीं कर ले विकास, नहीं लाल नहीं रोड नहीं वृद्धा पेंशन आरो कुछ हुए नहीं। भारी दिक्कत होता है। हां बहुत दुखा दाख न लै छी नहीं देखो जो तब। अच्छा, घरों आगू गड्ढा खाने पड़े छो, नाली नहीं छो तो ना। देखिए यही है, जहाँ पर एक तरफ वादे होते हैं कि हर गली का पक्कीकरण किया जाएगा, हर गली गली में नालों का निर्माण होगा, पर सच्चाई यही है कि यहाँ नाले नहीं हैं, गली गली में पक्कीकरण नहीं है, पर यहाँ हर घर के सामने आपको एक बड़ा सा गड्ढा जरूर मिल जाएगा और वो गड्ढा सिर्फ घर के वेस्टेज वाटर को निकालने के लिए, जमा करने के लिए होता है। और भी लोगों से बात करेंगे कि चाची केकरो घर वर मिल रहे यहाँ केकरो घर हमारा कुछ नहीं मिल रहा, नहीं रोड नहीं नली कुछ नहीं। तो जबर जबर देखो सरकारें कहे कुछ नहीं दी। अच्छा, सरकारें कहे पानी देव, घर देव, पक्का मकान देव, कुछ नहीं मिले। मुखिया के 10 साल हो गए, कहियो घेरलो कहियो कैलो, ओकरा कहे आवे समझौती देख के कही दी देवे देवे कुछ नहीं दी, देवे देवे करी के 10 साल दरसनी के बेसी में पैसो घुस घास ले आवे ले कुछ नहीं दी। 1500 के ले छो वार्ड मुखिया अलो कि हाँ ये बना दो इंदिरा आवास कर वृद्धा पेंशन कुछ नहीं दे छे। लेकिन तेरा पता छो सरकारी कोई योजना वास्ते 1 टका नहीं लगे छे, पहले बात। दूसरे बात, अगर रोड बनवावे छे नाला बनवावे छे तो यो सरकार अपना तरफ से दे छे, आम आदमी के 1 टका नहीं देना छे। तो पैसा ले बिचौलिया दलाल यह से नहीं आवे छो ने, वार्डो से नहीं आवे छो है चाची। हाँ तब क्या सर, अब महिला सनी वास्ते भी बहुत सारा योजना हुई छे। हम लोग के लिए कोई रोजगार नहीं, सब पढ़े लिखे घर में बैठे रहते हैं और क्या, बच्चे सब भी इसी तरह स्कूल देखे बगल में है, जाने का भी गड्ढा है हमारे नाली। अच्छा ये बताइए, जैसे कि हम देखते हैं ना कोई गांव जाते हैं या ग्रामीण क्षेत्र जाते हैं तो देखते हैं कि सड़क रहता है, दोनों बगल नाला रहता है, नाला पे पाट रहता है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हर घर के आगे एक बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो ये गड्ढा क्या, आप इसको पूरा अच्छे से बताइए। गड्ढा नाली सड़क नहीं है तो गड्ढा तो अपना बनाना पड़ेगा ना पानी के लिए, पानी जाने के लिए। तो मतलब आप लोग पर्सनल गड्ढा बनवा के रखे हुए हैं कि नाला नहीं है, पानी का निकासी नहीं है। और आप ये जान लीजिए जिस प्रकार से कोरोना ने कहर मचाया, ये कहीं ना कहीं इसी तरीके के बीमारी को हम आमंत्रण दे रहे हैं गड्ढा खान के या फिर कचरा जमा करके। जहाँ पर कहीं पर वेस्टेज वाटर जमा होगा वहाँ जरूर अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी और वो जन स्रोत होगा बीमारियों का। हर घर के आगे इसी प्रकार से यदि बड़ा गड्ढा कर दिया जाए तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि आपको खुद बीमार होने के लिए अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के बाहर बैठ के अलग अलग प्रकार की बीमारी का लाभ ले सकते हैं। और यही गड्ढा जो है ना ग्रामीणों को कहीं ना कहीं बीमार बनाएगी, ग्रामीणों को कहीं ना कहीं
बहुत ही काले अंधेरे होल में धकेलेगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, स्थानीय बुजुर्ग हैं और इनसे जानेंगे कि हालांकि जितने भी जनता से हम लोगों ने बात किया, यहाँ पर जो भी थे वो अपने जनप्रतिनिधि से आक्रोशित नजर आए, नाराज नजर आए। चाचा की दिक्कत छे, देखे छो नाले छो सड़क पानी कुछ ना थी, मुखिया बोले छो के ना। यहाँ तो 20 साल से हम लोग जो है ना, 20 साल से जो है इतना मने गड्ढे में पड़ा हुआ है कि चारों तरफ मने जो है बिजली का प्रकाश जल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 20 साल से अभी तक बनबे नहीं किया, बिजली का व्यवस्था होबे नहीं किया, जबकि सरकार का योजना है कि सीधा ग्राम के शहर से ग्रामीण को जोड़ा जाए बिजली से, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऐसे मने जो पड़ रहे हैं। अच्छा, घर द्वार देखे छो सब कच्ची छो, कागो के इंदिरा आवास मिललो छो तोरा क्षेत्र में? अभी हमरा क्षेत्र में जे छे मात्र एक गंगोता मैदान में मात्र एगो मिललो छे, आरो बाकी सब गंगोता मैदानों में कागो कच्ची घर वाला होते कम से कम 250-300 लगभग। मतलब आप सरकारी योजनाओं का बेनिफिट कितने परसेंट लोगों को मिला है, इसका आप अंदाजा आंकड़ा लगा सकते हैं कि 250 घर कच्ची मकान के यहाँ पर हैं जिसमें लोग रहते हैं। बारिश के मौसम में जब सड़क नाला ना हो तो और भी परेशानी होती है, और 250 घरों में मात्र एक घर को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। इसी प्रकार से यदि वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, मुखिया या फिर कोई और जनप्रतिनिधि इनके हक का लूट खसोट कर लेंगे, अपना पॉकेट भर लेंगे, तो समाज का पक्कीकरण करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसी प्रकार से कच्चे मकान, कच्चे सड़क, घर के आगे बने गड्ढे दिखेंगे हमें। और भी लोगों से बात करेंगे, हम लगातार पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों जनप्रतिनिधि द्वारा इन्हें ठगा गया, इनके वोटों का गलत इस्तेमाल किया गया, इनको बरगलाया गया। और भी चाची दोस्ती कुछ बोलो की स्थिति जे कोई भी चीज में मना की पैसे घूस मांगे छे यहां। अच्छा हां यार, कोई भी चीज के उपाय ये नहीं छे कि कोई भी फंड आवे छे तो 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे ही मांगता रहे छे। के मांगे छे घूस? जे वार्ड सब छे जे काम करवावे छे, जैसे काम करवा देबे, वहां काम करवावे नहीं छे, पैसा लेके चली जाए छे, बिचौलिया दलाल यास नहीं नी या सब बोला। तो तुम बता लो कुछ कोना मांगे छे पैसा? घुसे छे तो वार्ड मुखिया थुरुस नी, वार्ड मुखिया थुरुस नी को गांव घुसता होता, आवे छे खाली पैसे पैसे, सब ना पैसे से बात करे छे। कौन बात और पैसा ऐसा कोई कहते मई फंडर ले छे, ऊ फंडर ले छे, नहीं बोली बोली पैसा ले ले, ठकी ठकी कई करे दमो कर दमो, कुछ नहीं करे छे। तो उसने पैसा दे दे छे? पैसा की गलो हम दे छे, 100 दे छे, हो तो 100-200 का नहीं। अच्छा कहीं की भैया सच्चाई छे, ग्राम में पैसा मांग लो, इसमें पूरा सच्चाई है। अगर कि जैसे स्टूडेंट लोग या अगर उसी को किसी भी कागज में दिक्कत होता है, इसे दस्तखत करना पड़ता है मुखिया से, सरपंच से, अगर जाता है यहाँ का लड़का तुमको घुरा दिया जाता है, और बार बार यहाँ के स्टूडेंट को दौड़ाता है तब अगर साइन करता है, इतना दिक्कत होता है विद्यार्थी लोग को एडमिशन में, कोई भी चीज़ में विद्यार्थी को बहुत परेशानी होता है यहाँ पर, जिसके लिए जाता है सरपंच के पास, मेरे पास उससे साइन कर दीजिए, हमको एडमिशन करना है, ये करना है, लेकिन वो दौड़ाता है 3-4 दिन दौड़ाता है, उसके बाद साइन करता है, बहुत नतीजा करता है विद्यार्थी लोग को। ये बच्चा सनी के की बोल लो तो चाची? बच्चा सनी के स्कूल में जाए तो नाम नहीं लिखा दे छे, 6-7 साल बच्चा सनी घर लो जे, यहां जे की 5 साल से बच्चा के स्कूल में ले रहे, केना नहीं लिखल दे छे? नहीं लिखा छे, जा तोरे क्लास लिखी दे, भगा दे छे नोटी धोपी का। के मास्टर बोलता हूं तो की मुखिया बोले छे, मास्टर है नोटी धोपी के भगा दे छे, तो शिकायत कर लो मुखिया लगा के। शिकायत साहब का कह लिए, नहीं कोई नहीं सुने छे, वो अपनो मन से चले छे, अपनो मन से, तो कह छे जब तो गेलो कहला तोरो बच्चा के नहीं घुसत मो स्कूल, नाम नहीं लिखबो, 3 साल से कर रहे छे, नाम लिखे नहीं लिखे छे स्कूल में। ये भी एक अलग ही समस्या है, जिस प्रकार से इस क्षेत्र का बदहाल है, हाल तो मैं नहीं कहूँगा बदहाल कहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इस क्षेत्र का बदहाल है कि विकास बहुत दूर कोसों दूर नज़र आ रहा है मुझे, और ये जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा विकराल संकट है, शिक्षा में जिस प्रकार से हस्तक्षेप है, यहाँ पर मास्टर एडमिशन नहीं लेते हैं, यदि किसी भी प्रकार से कोई कारण है तो आप बताइए और एडमिशन नहीं लीजिए, या फिर उसका प्रक्रिया जो भी होता है उस तरीके से आने बोलिए, पर आप यदि इस प्रकार से सीधे एडमिशन लेने से मना करेंगे, आप शिक्षा लेने से मना करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं समाज को पीछे धकेलने के बराबर है। अब रही बात जनप्रतिनिधि की, तो ये लोग जो पैसा देते हैं, इन्होंने बताया बिचौलिए आते हैं कुछ कुछ वक्त पे, किसी न किसी योजना के नाम पे, फर्जीवाड़ा के नाम पे पैसे लूट पैसे मांगते हैं, लूट खसोट होता है। इनसे मैंने पूछा आप पैसे क्यों देते हैं, इन्होंने बताया कि लालच, कुछ सोचते हैं कि अपने समाज का विकास हो जाए, तो अपने समाज का विकास के लिए ये लोग वोट तो देते ही हैं, जनप्रतिनिधि तो चुनते ही हैं, पर इतना काफ़ी नहीं होता है यहाँ, इसके बावजूद भी पॉकेट भरा जाता है बिचौलियों का, दलालों का, और उसके बाद भी यहाँ पर विकास नहीं होता है। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र घूमेंगे हम, पूरे क्षेत्र में हर एक इंसान से बात करेंगे, और हर एक इंसान की जो समस्या है, जो यहाँ पर विकास के
पताके लहराए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लूट खसोट ग्रामीण स्तर में पंचायत स्तर में मचा हुआ है। मुखिया जबकि जनता की वोट से जीतते हैं, चुने जाते हैं, और इस प्रकार से यदि जनता के साथ धोखा, जनता के साथ छलावा करेंगे तो गाँव में विकास की बयार बहाना बहुत ही मुश्किल साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ में सत्यम, सिल्क टीवी।